उनको क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग डर भी रहे। अरे आओ ना नया नगर में, कौन से आओ, हमारे से बैठ के चाय पियो, हम लोग बैठ के पी लेंगे चाय पियेंगे और क्या, सब भाई के मिलके पियेंगे और क्या। झूठी घटना हुई हुई वीडियो में वायरल हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वो चीज दिमाग में मत रखो। किसने बनाया था ये? मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी बोला भाई को, मेरे को तो उसको ढूंढना है, वीडियो को इसने बनाया। आपने सवाल किया नया नगर गर्म है, तो नया नगर गर्म नहीं है, नया नगर में से ईरानी चाय और सलूमिया की चाय, काली चाय से भी वो दोनों गर्म है, बाकी कोई गर्म नहीं है। उनका नया नगर इलाका है, सोशल मीडिया पे मीरा रोड का नया नगर जो इलाका है वो इलाका काफी गर्म बताया जा रहा है, तो इसलिए हम टी राजा की जो रैली कल हुई उसके तुरंत बाद आज हम नया नगर में हैं। आप देखिए नया नगर की सड़कें हैं, और जो सोशल मीडिया पे देखना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि नया नगर ऐसा ही है, और काफ़ी दिनों से लोग सोच रहे थे कि नया नगर में क्या चल रहा होगा, आज कैसा माहौल होगा, तो यहाँ के लोगों से ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ के जो रिनाउंड लोग हैं, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, आप देखिए कैमरे में आपको नजर आ रहे होंगे, आप चिर परिचित चेहरा है जिनको आपने पहले भी देखा होगा। एजाज खतीब जी हमारे साथ हैं, और प्रदीप जंगम जी हैं, और हमारे जो ये सीनियर जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो शांति और अमन की पहल के लिए यहाँ पे हमेशा प्रयास रहते हैं, उनसे बात करेंगे। एजाज जी स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। शुक्रिया। क्या कहेंगे आज नया नगर जो है फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत गर्म बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या है तापमान? आप नया नगर में खड़े हो जी, आप रात को 1 बजे भी आएंगे यहाँ, मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेन है ना चर्चगेट से आती है 2 के आसपास, आप उस हाँ तो उस वक्त भी आप यहाँ आएंगे ना, यहाँ पर मेरा ऑफिस रोड पे ही है, कभी कभी मैं कुछ काम से 1 बजे 2 बजे तक 2:30 बजे तक बैठता हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको देखेंगे कि रिक्शा है ना रात स्टैंड में ना बहुत कम रहते, रिक्शा स्टैंड में कम रहते, तो फैमिली क्योंकि ये रोड यहाँ से मैक्सिमम नॉन मुस्लिम जाते हैं, यहाँ से मैक्सिमम नॉन मुस्लिम जाते, मुस्लिम इलाका समझ लो इधर है, लेकिन चल के रिक्शा नहीं मिलती तो लोग यहाँ से चल के अपने घर पे जाते लास्ट टाइम में। आपने लोगों की बात की है, लड़कियाँ वगैरह बताया जा रहा है कि यहाँ पे रात में लड़कियाँ, तो हम लोग खुद हम लोग बात करते कभी कभी, अरे देखो रात को 2 बजे जा रही बिंदास, मुझे नहीं लगता है आज, अच्छा मेरी बात पे आप यकीन करो 50% या जो भी, आप अगर कुछ इंसिडेंट होता है लड़की के साथ तो पहला भागती किधर, पुलिस स्टेशन, तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो आपको समझेगा कि लड़कियाँ कभी 11 के बाद 12 के बाद 2 बजे या 3 बजे कभी कोई कंप्लेंट आई क्या, आप उधर से भी रिपोर्ट ले सकते हो, ऐसी सूचना तो नहीं। ये अफवाह पे लोग जाते हैं, अफवाह पे नहीं जाना चाहिए, अपना दिमाग है ना, अपने को भी दिमाग है ना। हाँ आज लोग, मैं बोलता हूँ ना आपको बताऊँ, मैं भाईंदर शांति जो नॉन मुस्लिम एरिया के लोग दो दो तीन तीन बाइक पे लेडीज चलाते हैं, कभी जेंट्स के साथ मतलब हस्बैंड वाइफ या कभी भाई बहन, ऐसे करके वो नया नगर में खास करके राउंड मारने आते जी जी, नॉन मुस्लिम, हाँ आपको दिखा भी दूँ, नॉन मुस्लिम राउंड राउंड मारने आते रात में, खाने के बाद टहलते ना अपन घूमते, तो वैसे घूमने के लिए बिंदास आते हैं। अब कोई आप पूरे ना मेरा भाईंदर में ढूंढ के बताओ कि नया नगर में कोई नॉन मुस्लिम लेडीज जेंट्स किसी को तकलीफ हुई क्या? अभी आप और नया नगर इसके पहले चर्चा में नहीं था, ये अचानक हुआ है, उस बारे में कुछ कहेंगे आप? कैसा है कि अब क्या हो गया है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, बिल्कुल, अब कुछ पॉलिटिशियन जो है वो उनके तवे के ऊपर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, अपने आप को लीडर बना के, क्योंकि मीडिया में कुछ चीज़ आती ना तो पूरे हिंदुस्तान में जाती, वर्ल्ड में जाती है, तो फोन आता है, भाई तूने यहाँ हंगामा किया ना, मैंने देखा क्या बात, अरे बहुत सही किया, क्या सही किया, तेरे इस हेड स्पीच से तुम्हारे ऐसे बयान से किसी का घर जल रहा है, किसी का दुकान टूट रहा है, लोग डर के घर के अंदर है, वो कोई भी कास्ट का हो, तो तूने अच्छा काम किया, जो वाह करते उनको भी अक्ल नहीं रहती, बस समझे, तो ये ज़्यादा लोगों में ट्रेंड चल रहा है कि मैं यहाँ कुछ ऐसा गलत बात करूं या गलत काम करूं तो मैं जल्दी वायरल हूं, ये चीज़ ज़्यादा। अभी हमारे सोशल मीडिया पे दो तरीके के वीडियो गए थे, पिछले साल 2022 का भी वीडियो था जिसपे कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन इसी तरीके का वीडियो था और इस बार वाले में बवाल हुआ है, तो ये दो तरीके के दो वीडियोज उसी सेम तरीके का है उस माहौल में, जिससे लोगों की भावनाएं दुखती हैं कि कोई किसी को इस तरीके से मतलब दबाता है, तो उस पर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और उसके बाद इस तरीके के बवाल शुरू होते हैं। नहीं नहीं, भावना जो उनकी जो भावना दुखती है ना, हर धर्म को हर आदमी को अपने धर्म से प्यार है, लेकिन उससे बढ़कर है देश प्यार, देश का प्रेम, बात समझे, हमको जो अभी हिंदुस्तान जो है
वो हिंदुस्तान इससे हमको और कम नहीं करना है, सही बात है। और मेरे ख्याल से कोई चाहता भी नहीं। आप हमारे, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैंने ये चीज़ देखा हूँ कि कोई अपने मर्जी से पार्टी का वो MP हो, MLA हो, नगर सेवक हो या कार्यकर्ता हो, वो कोई दूसरे धर्म के बारे में गलत बात बोलता है जिससे दूसरे धर्म के भावना दुखती है, पार्टी ने एक्शन ली है। आप देखो लिया। नूपुर शर्मा जैसे ऐसे कितने लोग हैं, मैं एग्जांपल दूं कि उनको उनके पद से उनको हटाया गया और उसके बाद वापस से उनका रिएक्शन नहीं आया, ना कुछ आया मीडिया पे। आप ये देखो, आप ये भी देखो, आप वो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, कौन क्या, अभी मेरे, आप मेरे से बात कर रहे हो, अचानक मैं कुछ बोलूँ तो मेरे पार्टी का क्या दोष? आपकी अपनी सोच है, मेरी सोच है, मेरी पार्टी की नहीं, लेकिन लोग बवाल क्या करेंगे, वो एजाज खतीब बीजेपी का था, उसने ऐसा बोला। सर माहौल क्यों खराब हुआ था, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, जो महिला को चोट लगी थी, वो कैसा हो गया था कि रमजान महीने से यहाँ पर कुछ बोलते ना असामाजिक तत्व जो है, जिनको वो अपने धर्म को, उनको नॉलेज ही नहीं, वो अपने धर्म को समझ रहे ही नहीं है, आधे मालूमात वाले रहते ना, आधे मालूमात वाले, वो रमजान महीने में भी नया नगर में आके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हमको नारे से कुछ लेन देन, लेकिन आप मस्जिद के सामने आके चिढ़ाने के मकसद से आते हो, आप ऐसे दोस्ती में आओ ना, अभी नारे लगाओ ना, नया नगर में खड़े हमारे भाई है, ये नॉन मुस्लिम है, अभी नारे लगा दो, कोई एतराज नहीं हमको, लेकिन मोहब्बत वाली आप चिढ़ाने के हिसाब में कोई भी, मैं भी मंदिर के पास जाके कुछ नारे दूंगा तो वो किसी को भी भावना दुख होगी, भावना दुख करके हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। और जो भावना दुख दुखाने वाले चार लोग है, कभी को दारू पीता है, दारू पीने वाला आपको मालूम है उसको होश नहीं रहता है, वो आके बोल दिया, तो ये रमजान से चल रहा था, कहीं लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले दिए, वो भी मॉर्निंग, तो पुलिस के इंक्वायरी में भी आया कि पीला था, इनको किसी ने पिलाया और बोले जाके नारे मार क्या। कोई ऐसे यंग बच्चे है जो मुझे भी फ़ोन आया, जो कॉलेज जाते हैं, डीमार्ट में काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक गंदे ख्यालात वाले, मैं तेरे बाइक पे पेट्रोल डालता हूँ, मेरे साथ नया नगर जाके आते, नया नगर में नॉन वेज होटल में वेज खाने के लिए आ रहे, जो वेजिटेरियन है वो वेज होटल में जाएगा ना, वो नॉन वेज होटल में वेज खाने क्यों आएगा? और आने के पहला तो आदमी और गरीब बाइक जमा हुए, बोले भाई मैं ना कॉलेज के बाद डीमार्ट में डिलीवरी का काम करता हूँ, बाइक ने तो मैं नहीं कमा सकता, तो मतलब मेरे को मालूम नहीं, मुझे उन्होंने बोले ऐसा चलो वैसा चलो, वहाँ जाने का मालूम पड़ा, और वो नारे दिए तो मैं भी था, बात समझे। अभी हमारे यहाँ ये नेहा बोल के लेडीज चल रही, ये नॉन मुस्लिम है, आप देखो नेहा ये नॉन मुस्लिम है, ये पूरे उनकी अभी तक की जिंदगी नया नगर में गए, मुस्लिम एरिया में जी। एक दिन मैं तो माहौल गर्म था, मतलब तब भी तू चालू रख, दिवाली में मैंने उनको बोला है आपके बच्चे लोगों को पतंगड़ी फोड़ना है या बिंदास फोड़ो, बच्चे हैं उनको अपना सन त्यौहार, क्योंकि वो दिन रात औरत मर्द यहाँ ही रहते, आप इनकी भी ऐसे कितने ज्वेलर्स वाले हैं, कितने हमारे में भेदभाव नहीं है, और भेदभाव करने वाले को हम खड़ा नहीं करते। जंगम भाई हमारे भाई है, वो मैं शायद ही उनके बर्थडे में कभी गया विश करने, क्योंकि इनका बर्थडे कैसा रहता है, कुछ ना कुछ मुद्दा लेके वो भूख हड़ताल में बैठते, वो बर्थडे मनाते अलग तरीके से, लेकिन मेरे बर्थडे में वो कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, मैं किसी को बुलाता नहीं, कोई मोहब्बत में आता है, ऐसे कई बार मेरे बर्थडे में आए, क्यों आए? प्यार है, प्यार है। तो ये जो पब्लिक में अफवाह है कि मीरा रोड नया नगर, आप नया नगर अभी रात में मेरे साथ घूमो, फिर आप बताओ लोगों को कि ये इस वक्त का टाइम है और मैं इस वक्त नया नगर में हूँ, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ कोई डर का माहौल नहीं है, आप अफवाह पे मत जाओ। एजाज भाई की बातें सुन ली है, प्रदीप भाई आप कुछ कहेंगे? आपने सवाल किया नया नगर गर्म है, तो नया नगर गर्म नहीं है, नया नगर से ईरानी चाय और सलूमिया की चाय, काली चाय से भी वो दोनों गर्म है, बाकी कोई गर्म नहीं है। एजाज भाई और मैं पिछले 15 सालों से इस मीरा भाईंदर शहर के जनहितों के काम में लगा रहता हूँ, उन्होंने अभी जैसे कहा कि एक साल में
क्या वो नया नगर को गर्म किसने किया? नया नगर को गर्म तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किया, अफवाह पहले ही खाली पीली की वही है। और सत्य किसी को जानना नहीं है, औरतों को मारा गया यही बोला गया, लेकिन कुछ वैसा है ही नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया के न्यूज चैनल यूट्यूबर्स है जिनके दो दो तीन तीन मिलियन व्यूज गए, उसमें भी ये बोला गया औरत को तो ब्लड तो निकल रहा था ना, ब्लड निकल गया था। देखो मैं ये भी बोलता हूँ कि उसका स्टार्टिंग से उसका अगर वीडियो करेंगे आप निकालेंगे, फुटेज निकालेंगे, वो आज तक निकला नहीं और ना ही कभी निकलेगा, ये भी आपको चैलेंज करता हूँ मैं। स्टार्टिंग से आज तक वीडियो क्यों नहीं निकला, सिर्फ उतना ही मारामारी का वीडियो निकला। तो मेरा तो ये चैलेंज है कि स्टार्टिंग से वो जब से आए तब से वीडियो क्यों नहीं निकला। दूसरी बात ऐसी है कि ब्लड वगैरह निकला, वो इंसिडेंस होने के पहले वहाँ पे कौन लड़के लोग आए थे, उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, ये भी बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो वो जाने के बाद में मैं रुक लड़के लोग को बुलाता हूँ, ये करके जो गाड़ी आई हो, गाड़ियों के ऊपर जब भी हमला हुआ उनको लगा कि ये लड़के हमको मारने के लिए आए, इसके लिए वो पथरा हुआ। बाद में पता चला कि वो लेडीज है, किसी लेडीज़ को कान के नीचे मारते हुए तो वीडियो नहीं आया था पहली बात तो। जो ठीक है, देखो हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास दिमाग नहीं रहता है। गांजा चरस तो आज मीरा भाईंदर में खुलेआम बिकता है, नशा करके जाने वालों ने झगड़े लगाए और यही हुआ। मेरा तो यही विनंती रहेगा सभी से कि पूरा वीडियो कब आएगा, उसके ऊपर उसकी जांच कभी होगी, ये सब सत्य भी लाना ज़रूरी है। तब तक ये मैटर मतलब ये लोगों का सब अफवाह एक पे ऊपर चल रहा है। नया नगर गरे में मीरावड़ में आप चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ऐसा कुछ माहौल नहीं है, सब शांति है। कल भी टाइगर राजा आए थे, माहौल शांति था, शबे बारात भी अच्छे से ही हुई। ना नया नगर से कोई भाईंदर ईस्ट में आया, ना भाईंदर ईस्ट से कोई नया नगर में आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक टाइम लिमिटेशन था, राम मंदिर का उद्घाटन था, माहौल गर्म करने का था, वो हो गया, अभी ख़त्म हो गया, वापस कभी ये होना ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जब तक हम जैसे लोग हैं, इजाज़ भाई जैसे लोग हैं जो एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, 92 में अगर मीरा रोड में कुछ नहीं हुआ तो अभी क्यों होगा, पहली बात तो। और आगे हम होने भी नहीं देंगे। मैं यही बताना चाहूँगा कि सत्यता की जांच करें सबसे पहले। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि धर्म का नशा चरस से भी ज़्यादा नहीं देखिए कैसे कि धर्म की राजनीति ऐसी है कि वो धर्म का पालन तो आदमी करता नहीं है जो ये राजनीति करते हैं धर्म की, ना खुद कभी सुबह उठ के नमाज को जाएंगे मस्जिद में, ना खुद उठ के कभी काकड़ आरती करने जाएंगे, ना खुद कभी किसी गरीबों की सेवा करेंगे, ना खुद कभी शिक्षा की सेवा करेंगे। तो ये धर्म की राजनीति करने वाले ही जो आप जैसे बता रहे धर्म का नशा ही वैसा रहे, तो ये धर्म का नशा बढ़ाने का ही काम करते हैं, शिक्षा का नशा नहीं बढ़ाएंगे, पब्लिसिटी अपना ह्यूमैनिटी का नशा नहीं बढ़ाएंगे, आपस के रोजगार का नशा नहीं बढ़ाएंगे। किसी भी धर्म का नशा आज के डेट में बहुत सस्ता है जो जल्दी बढ़ जाता है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये हमारे भाई है, मैं आपको बताया जो दुकान है, आप इनके बारे में डिटेल पूछो और ये कितने साल से मुस्कान में काम कर रहे हैं। मेरा नाम लोकेश जैन है। तो जैन जी हाँ। अच्छा आप नया नगर में कितने साल से हैं? मेरे को 25 साल हो गए सर। 25 साल हो गए? 25 साल हो गए। तो जो पिछले कुछ दिनों में हुआ 22 जनवरी को यहाँ पे लोगों में आपसी झगड़े हुए और परेशानियाँ बढ़ी, लोगों की तकलीफें बढ़ी, तो उस दौरान आप कहाँ थे? मैं इधर मेरा में ही था। यहीं पर थे? हाँ यहीं नया नगर में। नया नगर में था। अच्छा तो कैसा आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था या आज कैसा महसूस हो रहा है? नहीं ऐसा मेरे को तो आज तक इतने साल हो गए, मेरे को कभी ऐसा कोई ना डर लगा ना कोई नहीं, मेरे को तो ये अपनापन ही लगता, गलत क्यों बोलूँगा। मैं जब 25 साल से यहाँ धंधा कर रहा हूँ, कोई किसी कोई भी परेशानी नहीं मेरे को यहाँ पे, पर अच्छे से रहता हूँ यहाँ पे, कोई किसी की जो कुछ हुआ उस पर आपका क्या कहना है? जो कुछ हुआ पिछले नहीं जो कुछ जो करने वाले कुछ लोग थे इसमें सब लोग को गलत करना है वो गलत है करने वाले कुछ लोग जैसे हाँ ज्यादा मदनाम होता है, कुछ लोग रहते हैं ऐसे जो करने वाले। लेकिन मीरा रोड का पूरे विश्व में नाम हुआ, नाम तो हो गया, दिन तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा होता है, लेकिन सब नहीं सबको एक गलत नहीं ठहरा सकते। प्रशासन की जो कार्रवाई रही उससे आप संतुष्ट हैं? जिस तरीके से कार्रवाई नहीं अच्छा कार्रवाई बहुत अच्छी थी उनकी, फटाफट उन्होंने जो संभाल लिया, अचानक रात को जो हुआ माहौल उस टाइम पे और तुरंत आगे उन्होंने कार्रवाई अच्छी की और मेरा और में मैंने देखा एकदम शांत हो गया तुरंत एकदम कुछ अभी, भी ऐसा क्या लगता है अभी क्या लगता है इनको एजाज भाई को देख के मत बोलिएगा? नहीं नहीं उनको देख के नहीं उन्हें ऐसा लग रहा है वो बताइए। नहीं अच्छा यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरा धंधा है यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। मीडिया पे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जाना नहीं, इसलिए हम लोग आज टी राजा की रैली के जस्ट तुरंत दूसरे दिन आ गए। अरे मैं तो